हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिकास्ट राउटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिकास्ट राउटिंग क्या होती है और मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होती है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। जैसे कि आपका यहाँ पे व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप पे किसी को पर्सनली मैसेज करते हो तो वो उसी बंदे के पास जाएगा जिसको आपने मैसेज किया, तो वो क्या है यहाँ पे यूनिकास्ट। और जो मल्टीकास्ट होता है वो ऐसी राउटिंग कराता है जब आप एक ग्रुप में मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, यानी कि आपने कोई भी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और आप वहाँ पर मैसेज को कर रहे हो उस ग्रुप में, तो वो क्या हो गया वहाँ पर ग्रुप मैसेज हो गया। तो आपका जो मैसेज सेंड होगा वो बहुत सारे बंदों के साथ में शेयर हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट राउटिंग की द्वारा वहाँ पे ये पॉसिबल हो पाता है। और यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में यही यहाँ पे मेन डिफरेंस है। यूनिकास्ट में आप सोर्स टू डेस्टिनेशन तक मैसेज को शेयर कर सकते हो, वन टू वन हम बोल सकते हैं। और मल्टीकास्ट राउटिंग में आप एक ही बंदा मैसेज को सेंड करेगा और वो एक ग्रुप में कर सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा बंदे के साथ अपने मैसेज को शेयर कर सकता है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट है, या हम बोल सकते हैं जो कि ग्रुप से कनेक्ट है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यूनिकास्ट राउटिंग, इन यूनिकास्ट राउटिंग देयर इज़ वन टू वन रिलेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है यूनिकास्ट राउटिंग में वन टू वन रिलेशन होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। सोर्स कौन होता है, जो मैसेज को सेंड कर रहा होता है। डेस्टिनेशन क्या होती है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। दैट मीन्स ओनली वन सोर्स सेंड्स पैकेट टू ओनली वन डेस्टिनेशन। यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एक सोर्स होगा जो पैकेट को, पैकेट का मतलब है यहाँ से डेटा से या इंफॉर्मेशन से मैसेज को सेंड करेगा, और रिसीव कौन करेगा, केवल डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर ही रिसीव करेगा। वहाँ पे भी आपका एक ही रिसीवर होगा वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन की वो सॉरी फ्रेंड्स डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझाया हुआ है। आपका यहाँ पे है ए सोर्स, और ये यहाँ पे है बी डेस्टिनेशन, और ये बीच में आपके राउटर लगे हुए हैं। ये जो है ये राउटर है, राउटर राउटर। तो ये यहाँ पे मैसेज जो जाएगा, आपने यहाँ पे सपोज कीजिए ए बी यहाँ पे मैसेज आपने सेंड किया, तो ये डायरेक्टली इसी के पास चला जाएगा। जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन होगी वो उसी के पास जाएगा। तो ए से गया यहाँ पे बी पे चला जाएगा। जो ये राउटर है इसके पास इसका भी एड्रेस होगा और इसका भी एड्रेस होगा, तो राउटर की हेल्प से ये राउटिंग कराता है। और इसी राउटिंग करने को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट राउटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। और इसके जो प्रोटोकॉल होता है, इसके कुछ प्रोटोकॉल के यहाँ पे नाम है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये परफॉर्मेंस कराने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। थर्ड है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये सब यूनिकास्ट राउटिंग कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं सारे के सारे ये प्रोटोकॉल। अब हम देख लेते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीकास्ट राउटिंग, इन मल्टीकास्ट ए मैसेज फ्रॉम ए सेंडर इज टू बी सेंड टू ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन बट नॉट ऑल द डेस्टिनेशन इन ए नेटवर्क। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीकास्ट राउटिंग में कोई भी मैसेज है वो सेंड किया जाता है, किसके द्वारा, सेंडर्स के द्वारा कोई भी मैसेज है उसको सेंड कर दिया जाता है टू ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन का जो ग्रुप है उन सब के पास, यानी कि जो भी आपके ग्रुप में ऐड है उनके पास जाएगा, ना कि जो पूरा का पूरा नेटवर्क है हमारा इंटरनेट का उसमें जाएगा, केवल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे आपने ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है। जो जो भी आपकी वहाँ पे डेस्टिनेशन होगी ग्रुप की वहाँ पे जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप यहाँ से कोई भी मैसेज को सेंड कर रहे हो तो जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है और बाकी जगह भी हो सकती है। तो जहाँ पे आपके ग्रुप है वहाँ पे ये सेंड हो जाएगी, जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, और जो डेस्टिनेशन है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, मतलब एक बंदे से ज़्यादा हो सकते हैं, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे भी हो सकते हैं।
देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।